ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसी के घर में जाके उन्हीं के खिलाड़ियों को गाली बक के, उन्हीं को उंगली दिखा के, उन्हीं की बॉलर की कुत्ते की तरह धुलाई करके उनको घर में हरा के आना, ये एक सपने जैसा है हर क्रिकेट टीम के लिए। पर इस सपने को जिसने सच किया उस बंदे का नाम है विराट कोहली। तो आज हम बात करेंगे विराट कोहली के टेस्ट कैप्टेंसी के रिकॉर्ड के बारे में, कैसे एक 25 साल का लड़का टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया, उसका खेलने के तरीके को बदल दिया। वैसे विराट कोहली ने 2011 में ही टेस्ट डेब्यू कर लिया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट उतना खास नहीं था। जब भारत गई थी 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेलने, जिस टाइम पे भारत में बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्राविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब, इन बड़े सीनियर खिलाड़ियों के बीच में एक खिलाड़ी था, वो है विराट कोहली। उस समय शायद उसका एज 21 या 22 साल का होगा। वो बंदा जब उस टीम में था तो जब पूरी सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रही थी, कोई रन ढंग से नहीं बना पा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम दो दो दिन बैटिंग कर रही थी, पूरे बुरी तरीके से हम सीरीज हार के आए थे 4-0 से, बट उस सीरीज में एक प्लस पॉइंट था, जो 21 साल का लड़का था विराट कोहली, वो ऑस्ट्रेलिया में चौथे मैच में जो है सेंचुरी ठोक के आया था। सीनियर खिलाड़ी जो काम नहीं कर पाए वो काम उसने किया था। जब कोई खिलाड़ी 100 बॉल तक नहीं खेल पा रहा था, उसने 200 से ज़्यादा बॉल खेले, सेंचुरी लगाई, और लगभग 4 मैच में उसने 300 रन बनाया था। एक इंट्रोडक्शन था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पता था कि एक तूफान है जो आगे जाके उनकी टीम को बहा देगा। देन उसके बाद 2014 में एक और बार जो है इंडिया दौरा करती है ऑस्ट्रेलिया का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और इस टाइम जो है विराट कोहली 24 साल के हो जा रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कुछ काम की वजह से पहले मैच में उन्हें जो है कप्तानी करने का मौका मिलता है धोनी के एब्सेंट में, और उस कप्तानी में विराट कोहली अपने पहले मैच एज ए कैप्टन दोनों पारी में 2 सेंचुरी लगा देते हैं। हम मैच हार जाते हैं बट उसने 2 पारी में 2 सेंचुरी लगाई, करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बन जाते हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर ने किया है, राहुल द्राविड़ ने भी किया है, और विजय मार्कंड ने भी किया है, शायद नाम याद नहीं आ रहा है। तो चौथे खिलाड़ी विराट कोहली जिन्होंने एक पारी में 2 सेंचुरी लगाई थी। देन उसके बाद मैच तो हार जाते हैं, अगले मैच धोनी जो है कप्तानी करते हैं और धोनी भी मैच जो है हरा देते हैं, हम हार जाते हैं। फिर तीसरा मैच जो शायद धोनी का लास्ट मैच रहता है, उस समय किसी को नहीं पता था बट ये मैच जो है एमएस धोनी का लास्ट मैच रहता है। धोनी जो है मैच जैसे ख़त्म होता है तो उसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कप्तानी से रिजाइन दे रहे हैं, और उसके बाद विराट कोहली को एज ए कैप्टन फुल टाइम टेस्ट कैप्टन नियुक्त किया जाता है। उस ड्रॉ होने वाले मैच में भी कोहली जो एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी लगाए रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैच ड्रॉ हो जाता है, जब लास्ट टेस्ट कप्तान विराट कोहली बनते हैं वो टेस्ट टीम को तरीके से धीरे धीरे बदलने लगते हैं, फिटनेस लेवल को आगे लाते हैं। इस टाइम में टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं रहता है, ना सहवाग, ना सचिन, ना गंभीर, ये सब रिटायर लेके जा चुके रहते हैं। टीम के मुख्य खिलाड़ी टेस्ट में अगर कोई रहता है, चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यही लोग ही मुख्य रहते हैं, और सुरेश रैना। देन एक के बाद एक कोहली जो है अलग अलग देश सीरीज खेलने जाते हैं, कोई बाहर से भी लोग सीरीज खेलने आते हैं। लगभग जो है 2014 से 2022 तक विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली। इसी बीच उन्होंने लगभग 60 टेस्ट मैच में कप्तानी की। विराट कोहली की कप्तानी ने भारत को वो ताकत दिया कि भारत अपनी घर में कभी भी कोई टेस्ट सीरीज जो है नहीं हारी, और विराट कोहली एमएस धोनी से 13 जो है ज़्यादा मैचेस जीते हैं एज ए टेस्ट कैप्टन, और एज ए टेस्ट कैप्टन उन्होंने 20 सेंचुरी भी लगाई है। इसी बीच उन्होंने 7 डबल सेंचुरी लगाई और 6 डबल सेंचुरी है जो है लगभग 17 महीने के अंदर ही आ गया था। 16 टेस्ट जो है जीते हैं घर के बाहर, 25 टेस्ट सीरीज खेली है जिसमें 18 जीते हैं, 6 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। वो जो ड्रॉ मैच हुआ है उसका एक मैच बचा था बाद में बुमराह ने कप्तानी की इंग्लैंड के अगेंस्ट, वरना ये सीरीज भी जीत रहे थे हम।
पूरे जो है 68 मैच में से विराट कोहली जीते हैं 40। मतलब एक सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इंडिया के अब तक के बेस्ट, जिनका विनिंग परसेंटेज है 58.82। और एज ए टेस्ट कैप्टन विराट कोहली जब टीम के कप्तान बने उस टाइम भारत का टेस्ट रैंकिंग था 7वां। उस 7वें पायदान पे कप्तानी करते हुए इस बंदे ने टीम को एक नंबर पे ले आया और एक नंबर कई सालों तक रखा था, 5 साल तक, जिसमें भारत को 3 साल जो है टेस्ट मैच मिला, जो अभी WTC हो रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उस टाइम होता तो शायद इंडिया को मिल जाता, क्योंकि इंडिया को 3 बार टेस्ट मैच मिला, जो टेस्ट का गद्दा 2017, 2018 और 2019। एक यंग लड़का, 24 साल का लड़का टीम को संभालता है और इतना आगे लेके जाता है, एक नया इंटेंट देता है कि हमको जीतना है, हारना नहीं है किसी भी हाल में, या तो हम सामने वाले टीम को ऑल आउट करके मैच जीतेंगे या फिर हम चेस करके जीतेंगे, लेकिन हारना नहीं है। इसी डेडिकेशन की वजह से कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज हरा के आ चुके हैं 2018 में और 2021 में। इससे पहले इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता था। ये सिर्फ विराट कोहली की टीम, उनका इंटेंट ही है जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को जिताया। हाँ, न्यूजीलैंड में हम नहीं जीत पाए, साउथ अफ्रीका में भी अभी नहीं जीते अभी तक, बाकी लगभग सभी देश में हम सीरीज जीत चुके हैं। और कोहली के कप्तानी के दौरान कई सारे ऐसे खिलाड़ी डेब्यू किए और चले भी गए, क्योंकि कोहली सिर्फ उसी खिलाड़ियों को रखते थे जो रेगुलरली अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोहली के कप्तानी में डेब्यू किए, हम उनके नाम बता रहे, जिसमें जयंत यादव हैं, सहवाज नदीम हैं, पृथ्वी शॉ हैं, मयंक अग्रवाल, करण आयर, ऋषभ पंत, हनुमा बिहारी, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी, टी नटराजन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नमन ओझा, जयदेव उनादकत, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो आके टीम में कुछ लोग बसे हैं अभी तक, और कुछ खिलाड़ी जो हैं अभी भी नहीं हैं। वैसे हार्दिक पांड्या भी वो खिलाड़ी हैं और उनके साथ साथ हैं स्टुअर्ट बिन्नी। इन लोगों ने टीम के जीत के लिए कई सारे योगदान दिए। कोहली ने कई सारे ऐसे सीरीज खेले बाहर जाके जो वो जीत के आए। वैसे उनका वनडे रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और उसके बारे में हम जो है बाद में चर्चा करेंगे। अभी टेस्ट के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दो। तब तक के लिए नमस्ते।